एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के रीट एग्जामिनेशन के लिए यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। सो हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, किस तरीके से आपको क्वेश्चन में किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट किस टॉपिक पर बेस्ड होगा, ठीक है, आपको किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ट्रिक्स आपकी किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कराया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी का यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का जो आपका रीट एग्जामिनेशन है और यू कैन से पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये आपका 11th मई के दिन कंडक्ट करवाया गया है। तो याद रखिएगा, आपके पास बहुत कम टाइम रिमेनिंग है प्रेपरेशन के लिए। जितने जल्दी आप प्रेपरेशन स्टार्ट करोगे उतनी अच्छा आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर वन जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी होता है ना, ऑल्सो फॉर पेपर टू के लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। ऐप के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, रिसर्च मेथडोलॉजी जो कि पेपर वन होता है आपके एग्जामिनेशन में, हम आपको पेपर वन के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपके एमसीक्यूज, थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हम सारे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। देन आपको मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, टोटल 10 मॉक टेस्ट है, हर एक मॉक टेस्ट में 40 to 50 एमसीक्यूज हमने कवर कर रखा है। तो उस तरीके से आपके 400 to 500 एमसीक्यूज यहाँ पर हम कवर करवाते हैं। और साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। देन रिविजन पीडीएफ जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर रखा है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। तो ये सारा स्टडी मटेरियल आपका बायलिंगुअल लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये स्टडी मटेरियल हमारा देखने मिल जाएगा। और हमारे कोर्स की हम 100% पासिंग गारंटी देते हैं, यानी हम स्टूडेंट्स को इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक तो मार्क्स स्कोर कर सके। तो जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी विजिट कर सकते हो, डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो और ऐप पर वन क्लिक में ही आप इजीली रिसर्च मेथोडोलॉजी के स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ऑल्सो फॉर पेपर टू के लिए भी आप हमें इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे इस ऐप पर भी विजिट कर पेपर टू के स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टैबुलेशन सोर्सेज ऑफ डेटा इज शोन इन द। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टैबुलेशन में सोर्सेज ऑफ डेटा को आप कहाँ मेंशन करते हो। सो टैबुलेशन क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। टैबुलेशन का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिसर्च में आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उस डेटा को टेबल में शिफ्ट करते हो, आप टेबल में उसको फिल करते हो। सो टेबल में फिल करने के बाद इंफॉर्मेशन को आप सोर्सेज ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं, जिससे कि आप देख रहे हो ये एक टेबल है। इस टेबल में हम सारी चीजें देखेंगे कि फुटनोट, बॉडी, स्टब और कैप्शन को आप कहाँ लिखते हो। सो फुटनोट में आप जो सोर्सेज ऑफ डेटा मेंशन करते हो वो आपके जो इस भी पेज पे टेबल होगा उस पेज के बॉटम में आप फुटनोट मेंशन करोगे, मतलब सोर्सेज फुटनोट्स में जो भी सोर्सेज ऑफ डेटा होगा, जहां से भी आपने डेटा लिया होगा वो सारा मेंशन करते हो। देन बॉडी क्या होता है, आपके टेबल का जो मेन पार्ट है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका यहाँ पर बॉडी होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखोगे ये आपकी बॉडी होती है, मेन पार्ट ऑफ द टेबल। देन स्टब क्या होता है कि आपके जो ये हेडिंग्स होते हैं टेबल में, जो ऊपर साइड हेडिंग होते हैं उसे हम कहते हैं स्टब। देन कैप्शन क्या होते हैं, आपका जो भी टाइटल होगा टेबल के ऊपर, जो भी टाइटल लिखते हो वो आपको हो जाएगा कैप्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टैबुलेशन में, मतलब टेबल में, आप सोर्सेस ऑफ डेटा को कहाँ मेंशन करते हो। तो टैबुलेशन में सोर्सेस ऑफ डेटा को आप फुटनोट्स में, जो आपके टेबल के जिस पेज पर आपका टेबल होगा उस पेज के बॉटम में आप आपके सोर्सेस ऑफ डेटा को फुटनोट्स में मेंशन करते हो। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, फुटनोट। नेक्स्ट, मीन, मीडियन एंड मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा विल बी 45, 54, 76, 78 एंड 76। इस क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है और इस डेटा का हमें मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। सो याद रखिएगा, मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है,
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो उस डेटा का आप मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करते हो। अब इस केस में आपको डेटा गिवन है और हमें इस डेटा का मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड आउट करना है। सो मीन के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू आपके पास जो भी डेटा होता है उसको आपको ऐड करना है बस। जैसे 45 प्लस 54 प्लस 76 प्लस 78 प्लस 76 डिवाइडेड बाय, और टोटल नंबर कितने गिवन है आपको, 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा आपका 329 डिवाइडेड बाय 5, देन इसका आपको आंसर आ जाएगा 65.8। सो ये हो गया आपका मीन। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब आपका जो डेटा आपको गिवन है उसमें जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं मीडियन। आपके डेटा की मिडिल वैल्यू और यू कैन से सेंटर वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब जैसे कि इस डेटा में अगर मैं लेफ्ट साइड से आती हूँ तो थर्ड नंबर पर 76 आ रहा है, और राइट साइड से में अगर मैं आती हूँ तो थर्ड नंबर पर 76 आ रहा है। दैट मीन्स इस डेटा में आपकी जो मिडिल वैल्यू होगी वो होगी 76। सो इस केस में आपकी जो मीडियन की वैल्यू होगी वो होगी 76। सो आपका जो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 76। देन मोड, मोड क्या होता है, मोड का मतलब होता है आपके पास जो भी डेटा है उस डेटा में ऐसा नंबर जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है। सो आपको एक डेटा गिवन है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 76। सो इस केस में आपका जो मोड है वो हो जाएगा 76। सो आपका जो मीन है वो है 65.8, 65.8 आपको ऑप्शन सी में गिवन है, मीडियन आपका 76 आएगा एंड मोड भी आपका 76 हो जाएगा। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, याद रखिएगा आपको बस फॉर्मूला याद रखना है मीन, मीडियन एंड मोड क्या होता है, आपको बस इतना ही याद रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, 65 आ जाएगा, 65.8 आपका मीन होगा, मीडियन 76 एंड मोड इज 76। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कॉमनली मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कौन सा ज्यादातर यूज करते हैं। अब डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा कैसा स्प्रेड आउट है। आपका डेटा मान लीजिए ये मीन है, मीन से कितना फैला हुआ है, कितना दूर है आपका डेटा, ये हमें डिस्पर्जन बताता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि आपका डेटा मीन से कितना फैला हुआ है, कितना स्प्रेड आउट है। अब ये कॉमनली कौन सा आपको मेजर बताता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल जैसे नेम में मिलेंगे, क्वार्टाइल का मतलब होता है फोर। क्वार्टाइल डिविएशन वो अपने डेटा को फोर पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे Q1, Q2 एंड Q3। तो ये फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1, 2, 3 एंड 4। तो अपने डेटा को क्वार्टाइल डिविएशन फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है और ये बताता है कि आपका डेटा कितना स्प्रेड आउट है। लेकिन हम कॉमनली ये मेजर नहीं यूज करते, ये टूल नहीं यूज करते, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन भी ये बताता है कि आपका डेटा मीन से कितना दूर है और कितना स्प्रेड आउट है, कितना डिविएशन आपका मीन से कितना ज्यादा आपका डेटा फैला हुआ है। तो मोस्ट कॉमनली हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं। सो आपको याद रखना है मोस्ट कॉमनली हम हमारा डेटा कितना स्प्रेड आउट है, कितना फैला हुआ है मीन से, ये देखने के लिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करते हैं। देन रेंज, रेंज का रेंज क्या होता है कि हायर वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये आपको रेंज बताता है। बट मोस्ट कॉमनली हम मेजर ऑफ कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट रेंज। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद रखना है, सिग्मा अपॉन म्यू।
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यही बताता है कि आपका डेटा कितना डिस्पर्ज है, कितना स्प्रेड आउट है मींस है, लेकिन आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बताता है, याद रखिए, अगर रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताता है, आपको याद रखने का है कि आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, नॉट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट, इफ द वेरिएंस ऑफ अ सैंपल इज 64, द स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी। इस क्वेश्चन में हमें सैंपल का वेरिएंस गिवन है जो कि है 64, और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है और वो डेटा कुछ इस तरीके से स्प्रेड आउट है। अब इस डेटा में मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन इस केस में हो जाएगा माइनस सिग्मा, स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा आपका प्लस सिग्मा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि आपका जो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मीन से, ये आपका मीन हो जाएगा, मीन से कितने दूर है ये बताता है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन का आपका फॉर्मूला हो जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस। वेरी सिंपल, वेरियंस की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 64, अंडर रूट ऑफ 64 का हो जाता है आंसर 8। सो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका इस केस में हो जाएगा 8। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैंडर्ड एरर इज ट्रू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट स्टैंडर्ड एरर। अब जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। जैसे मेरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से कुछ मेंबर्स है, उन मेंबर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये मेरा सैंपल बन गया। जैसे मैंने यहाँ पर 10-10 का ग्रुप बनाया था और उनका मैं एवरेज वेट मेजर कर रही हूँ, सो X1 बार आ जाएगा एक सैंपल का। दूसरा सैंपल ले रही हूँ मैं जिसमें 10 मेंबर्स है, उनका वेट आ जाएगा, एवरेज वेट आ जाएगा X2 बार। उसी तरीके से एक और सैंपल लूंगी मैं, उसका वेट आ जाएगा X3 बार। सो ये मेरे सैंपल्स है, मतलब ये मेरे स्टैटिस्टिक है, सैंपल से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक। अब मैं क्या करूंगी, जो सैंपल से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करूंगी, उसको कुछ इस तरीके से स्प्रेड करूंगी। सो मेरा हो जाएगा X1 बार, X2 बार, X3 बार। अब मैंने जो मुझे सैंपल से इंफॉर्मेशन मिली है, जो 10-10 मेंबर्स का एवरेज वेट मैंने मेजर करा है, उसको मैंने, उस इंफॉर्मेशन को मैंने ग्राफ में, और उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब ये जो आपका रहता है मिडल वैल्यू, उसे हम कहते हैं मीन। अब आप क्या करते हो, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें आप देखते हो कि आपका जो वैल्यूज है कितना मीन से दूर है। जितना ज्यादा आपके वैल्यूज मीन से दूर होगा उतना ज्यादा आपका एरर होगा। अब जितना ज्यादा आपका जो ये वैल्यू स्प्रेड है मीन से, जितना ज्यादा आपके ये वैल्यू स्प्रेड है मीन से, इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसी स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, इसी को हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। अब स्टैंडर्ड एरर के बारे में हमें कुछ ऑप्शन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है अबाउट स्टैंडर्ड एरर। अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। सो पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे, इट इज ऑलवेज जीरो। सो आप जब भी आप कुछ चीजों को मेजर करते हो, कुछ रीडिंग निकालते हो, जब आप कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, सो कुछ ना कुछ आपको एरर मिलता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरे एग्जैक्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलते, आपके जो रिजल्ट आते हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। सो आपके जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो जीरो कभी नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, इट इज ऑलवेज नेगेटिव, आपका जो एरर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है, इट इज ऑलवेज वन, आपका एरर सिर्फ वन हो ऐसा नहीं कह सकते हम, वन से ज्यादा भी हो सकता है, वन हमेशा ऑलवेज वन हो ऐसा तो नहीं होता है एरर। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आपका जो स्टैंडर्ड एरर होता है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, आपको याद रखना है स्टैंडर्ड एरर क्या होता है आपका, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब आपके कुछ ना कुछ एरर्स हो गए, जैसे 4, 5, 10 ऐसा कुछ ना कुछ एरर्स हो जाएंगे, हमेशा एक भी नहीं रहेगा, ना जीरो तो होता ही नहीं है और नेगेटिव भी नहीं होता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, इट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नेक्स्ट,
इंक्रीजिंग द सैम्पल साइज हैज द फॉलोइंग इफेक्ट अपॉन द सैम्पलिंग एरर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके जो सैंपल का साइज है उसको इंक्रीज कर रहे हो तो आपके सैंपलिंग एरर पर कैसा इफेक्ट होगा, कि आपका सैंपलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा या फिर आपका सैंपलिंग एरर रिड्यूस हो जाएगा या फिर आपके सैंपलिंग एरर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जैसे मान लीजिए मैं एक स्टडी कर रही हूँ, मेरी एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में मेरे टोटल 100 मेंबर्स हैं। उन 100 मेंबर्स में से मैंने जो सैंपल सिलेक्ट कर लिया है, सैंपल में मैंने 95 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया है, तो इस केस में मेरा जो सैंपलिंग एरर हो जाएगा, सैंपलिंग एरर क्या होता है आपका, अपनी कितनी पॉपुलेशन लिया है माइनस सैंपल्स। तो पॉपुलेशन मेरे यहाँ पर है 100 एंड सैंपल्स मैंने लिया है 95, तो इस केस में मेरा जो सैंपलिंग एरर हो जाएगा, सैंपलिंग एरर हो जाएगा इस केस में मेरा 5। मतलब मैं जितना ज्यादा मेरा सैंपल का साइज इंक्रीज करते जाऊंगी उतना कम मुझे सैंपलिंग एरर मिलेगा। अभी 100 में से मैं अगर मेरा सैंपल का साइज इंक्रीज कर दूं, मैं 95 लिया है मैंने, अगर मैं 99 लेती तो यहाँ पर इस केस में मेरा सैंपलिंग एरर सिर्फ 1 ही होता। मतलब मैं जितना ज्यादा मेरा सैंपलिंग एरर ज्यादा लेते जाऊंगी, सैंपलिंग साइज में जितना ज्यादा लेते जाऊंगी उतना कम मेरा सैंपलिंग एरर हो जाएगा। सो इससे आपको एक और रिलेशन याद रखना है कि आपका जो सैंपलिंग एरर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज। मतलब अगर आप जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लोगे उतना कम आपका सैंपलिंग एरर होगा, जितना कम आपका सैंपल साइज रहेगा उतना ज्यादा आपका सैंपलिंग एरर होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि अगर आप आपका सैंपल का साइज इंक्रीज करते हो तो आपका सैंपलिंग एरर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इट रिड्यूसेस द सैंपलिंग एरर। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, ये देखने के लिए जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिजेक्ट कर लेते हैं। दो ही वेज होते हैं अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो हम नल हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिजेक्ट कर लेते हैं। ये दो ही चीज करते हैं जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, उसके थ्रू हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस का पर्पस क्या होगा करेक्ट। अब ऑप्शन ए देखते हैं हम, टेस्ट हाउ फार द मीन ऑफ सैंपल इज फ्रॉम जीरो। हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए नहीं करते कि जो हमारा सैंपल का मीन है, सैंपल से हमको जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो जीरो से कितना दूर है, ये देखने के लिए हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी देखेंगे हम, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल। हम सिग्निफिकेंस लेवल को डिटरमाइन करने के लिए भी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हैं। अब सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल वो होता है जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो तो आप आपके जो रिजल्ट्स है उसमें कुछ एरर अलाउ करते हो। अब मान लीजिए आपने आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो आप 1% रखते हो और या फिर 5%, या तो आप 1% रखोगे या फिर 5%। अगर आपने आपका सिग्निफिकेंस लेवल 1% रखा है, मतलब आप सिर्फ आपके स्टडी में 1% एरर को अलाउ करोगे, मतलब आपके जो 99% जो भी रिजल्ट आएंगे वो सही होंगे। और सिग्निफिकेंस लेवल आपने अगर 5% रख दिया, मतलब आप जो आपकी रिसर्च में एरर अलाउ करेंगे वो 5% अलाउ करेंगे, मतलब 95% आपके जो रिजल्ट आएंगे वो करेक्ट आएंगे। सो ये डिटरमाइन करने के लिए भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अप्रोप्रिएट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते, बल्कि ये देखते हो कि नल हाइपोथेसिस को हमको एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। हम नल हाइपोथेसिस को किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते, आपको याद रखना है, किसी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करेंगे नल हाइपोथेसिस की। हम बस ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है फिर रिजेक्ट करना है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, डिटरमाइन वेदर द स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। मतलब अब मान लीजिए हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस इज नथिंग बट एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्च अपने रिसर्च में अपने गेसेस पर ले डाउन करते हैं और उसको अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए एक हाइपोथेसिस है कि वाटर अगर इंक्रीज करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, ये मेरी एक हाइपोथेसिस है। अगर मैं प्लांट को वाटर ज्यादा दे रही हूँ तो प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। अब इससे जो रिजल्ट आ रहे हैं, इससे जो रिजल्ट आएंगे, मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं, मैं ये चेक करने के लिए हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं हम।
स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस। ओके, हम हाइपोथेसिस टेस्ट इसलिए करते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस है या फिर नहीं ये देखने के लिए। अब स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो रहा है, आपके जो रिजल्ट हो रहे हैं वो बाय चांस आ रहे हैं या फिर आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो वाटर है क्या वाटर की वजह से ही ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं, आप ये देखते हो। ओके, अगर वाटर की वजह से ग्रोथ हो रही है तो आप क्या करोगे, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर लोगे। अगर वाटर की वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपकी नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। सो ये हो जाती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि डिटरमाइन वेदर अ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरिलेशन इन विच द स्टडी आवर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन स्टूडेंट स्कोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन का एग्जाम्पल होगा। अब एग्जाम्पल क्या गिवन है आपको, क्या आप स्टडी आवर्स आपको एक वेरिएबल गिवन है, स्टूडेंट स्कोर एक दूसरा वेरिएबल गिवन है। स्टडी आवर जैसे इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सी कोरिलेशन का एग्जाम्पल होगी। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स गिवन है जो कि है आपका स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स ये फर्स्ट वेरिएबल है, सेकेंड वेरिएबल आपका है स्टूडेंट्स स्कोर। मतलब आप जितना ज्यादा आपका स्टडी पर आवर्स इंक्रीज करोगे, जितना ज्यादा आपके स्टडी पर आवर्स दोगे उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्कोर भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, जितना ज्यादा आप आपके स्टडी को आवर्स स्पेंड कर, जितना ज्यादा आपने आपके स्टडी पर आवर्स स्पेंड किया उतना ज्यादा आपके स्कोर भी अच्छे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये दो वेरिएबल है दोनों वेरिएबल में पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि ये दोनों भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब भी कोई दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते तो हम उससे कहते हैं कि उन दोनों वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि यहाँ पर दो वेरिएबल स्टडी आवर्स एंड स्टूडेंट स्कोर, तो स्टडी आवर्स जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे ही आपके स्टूडेंट का स्कोर भी इंक्रीज होने लगेगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर एक वेरिएबल से ऊपर की डायरेक्शन में जाता है और एक वेरिएबल नीचे की डायरेक्शन में जाता है, यानी दोनों भी वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो इसे हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अगर जब भी कोई दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सो आपको जो ये एग्जांपल गिवन है ये पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल गिवन है, दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट, पॉपुलेशन डिवाइडेड इंटू फोर इक्वल ग्रुप्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल ग्रुप इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आपने फोर इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फोर इक्वल ग्रुप्स में आपके आपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया, सो उसे हम क्या कहेंगे, क्या उसे हम परसेंटाइल कहेंगे, क्वार्टाइल कहेंगे या फिर डेसाइल कहेंगे। सो यहाँ पर आपकी मान लीजिए कोई पॉपुलेशन थी, आपने उस पॉपुलेशन को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ पार्ट, चार पार्ट में आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो चार पार्ट में आपने आपकी पॉपुलेशन को अगर डिवाइड कर दिया तो उससे हम कहेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का ही मतलब होता है फोर। ओके, क्वार्टाइल का मतलब होता है फोर, कि आपने आपकी पॉपुलेशन को फोर इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। परसेंटाइल क्या होता है, अगर आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 100 इक्वल ग्रुप्स में अगर आपने डिवाइड कर लिया तब आप उसे हम कहेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100। डेसाइल, डेसाइल कहता है अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है उसको 10 इक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहेंगे डेसाइल। डेसाइल 10 होता है, क्वार्टाइल 4 होता है और परसेंटाइल 100 होता है। सो आपने यहाँ पर आपके जो पॉपुलेशन है उसको 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, सो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। सो याद रखना है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। सो यहाँ पर 4 इक्वल ग्रुप्स है तो आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया तो उसे हम कहेंगे क्वार्टाइल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वार्टाइल। नेक्स्ट, अ रिसेंट स्टडी ऑफ अ कार ओनर्स इंडिकेटेड द 10% फेल्ट ब्रांड ए हैड द बेस्ट क्वालिटी, 9% फेल्ट ब्रांड बी डिड एंड 6% फेल्ट अदर मॉडल्स डिड, द रिमाइंडर हैड नो ओपिनियन
द एडवर्टाइजिंग क्लेम दैट मोस्ट का ओनर्स हु हैव गिव एन ओपिनियन बिलीव दैट ब्रांड ए हैज द बेस्ट क्वालिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश विच इज डैश. इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल गिवेन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस ऑप्शन का एग्जाम्पल होगा. अब इस एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई जिसमें कुछ कार ओनर्स थे, उन्होंने बताया कि कौन से ब्रांड कितने किसकी कौन से ब्रांड की क्वालिटी कितनी अच्छी है. सो यहाँ पर 10% कार ओनर्स ने कहा कि ब्रांड ए जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी है. 9% कार ओनर्स ने कहा ब्रांड बी की क्वालिटी बहुत अच्छी है. 6% ने कहा कि दूसरे जो अदर मॉडल है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो इस केस में बस इतने ही लोगों का रिस्पॉन्स आया, इतने ही लोग ने रिस्पॉन्स करा. देन उसके बाद एक एडवर्टाइज कंडक्ट करा गया, एक एडवर्टाइज की गई और जिसमें एडवर्टाइज में ये बताया गया कि जो ज्यादातर जो कार ओनर्स हैं उन्होंने ये कहा, उनका बिलीव ये है, उनकी ओपिनियन ये है कि जो ब्रांड ए है, ब्रांड ए की कार जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. सो ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा. तो ये तो यहाँ पर कंफर्म है जो रिसर्च की गई है वो करेक्ट वैसे की गई. रिसर्च में रिसर्चर कोई बायस नहीं है क्योंकि रिसर्चर ने ये बताया, रिसर्चर ने प्रॉपर वे में बताया कि कितने लोगों का रिस्पॉन्स है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा है. अब जैसे कि टोटल 100% में से सिर्फ 25% ने यहाँ पर रिस्पॉन्स करा है. आप इनको टोटल करिए 10, 6 और 9% को, बस इतने ही लोगों का, इतने ही कार ओनर्स का रिस्पॉन्स था तो ये 25% हो गया. लेकिन 75% ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं करा. तो इस केस में रिसर्चर ने यह भी बताया है कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा और कितने लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं करा. अब इसके बाद एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया, एक एडवर्टाइज में ये बताया गया कि कार ओनर्स जो थे उनका ओपिनियन ये था कि जो ब्रांड ए है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. सो यहाँ पर रिसर्च में कोई बायस नहीं किया गया, रिसर्च एथिकल थी, रिसर्च में सच्चाई थी, जो सच था रिसर्च ने पूरा बताया गया. लेकिन यहाँ पर जो एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया उसमें उन्होंने अनएथिकल वे से बताया, मतलब झूठ बोला है. यहाँ पर ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द कार ओनर्स का ये बिलीव है कि ब्रांड ए की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं था क्योंकि 25% का ही रिस्पॉन्स था, 75 लोगों का तो रिस्पॉन्स ही नहीं था. सो इस केस में जो आपकी एडवर्टाइज होगी, एडवर्टाइज आपकी मिसलीडिंग रिपोर्टिंग होगी. मिसलीडिंग मतलब आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना जो कि अनएथिकल है. ये सच्चाई नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है. सो यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा मिसलीडिंग रिपोर्टिंग एंड अनएथिकल. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू टुमारो.